पीछे आओ, पतली गली से निकलते हैं। ये तो सॉलिड है। वो हमें जानबूझकर यहाँ लेकर आया है। अगर हम यहाँ मारे गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एलियंस की तरह आएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खोजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उपग्रह अपनी जगह पर आ रहा है। हमने उन्हें ढूंढ लिया। अंजलि, ये तो यहाँ पूरी तरह से घिर गए हैं। जितना सोचा है उससे ये और ज्यादा बदतर है। वो तो मेरे बेहतरीन उपकरणों के बिना पूरी तरह मारे जाएंगे। कैसा होगा अगर हम लोगों ने बादशाह को उपकरण देकर हमने पहले ही नियम तोड़ा है। हमने एक बार किया है, उसे दोबारा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जिंदगी उस पर निर्भर है। उन्हें नीचे गिरा दो। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। डॉक्टर रस्तोगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये लड़ाकू शस्त्र कब बनाए? खैर, मैंने लोहे के कवचों पर काम करना 10 साल पहले शुरू किया था। फिर मैंने इस विशाल सशस्त्र योद्धाओं की आकृति बनाई। उस वक्त शायद मैं खाना खा रहा था और अब मैं नहा रहा था। ठीक है ठीक है, मैं 10 साल से भी आपके साथ काम कर रही हूँ, फिर भी आपने नहीं बताया। रुको, पहले मुझे पूरा बोल लेने दो। मैंने अब तक सबसे दिलचस्प बात तुम्हें बताया ही नहीं है। देखो, तूफान का कवच वैसे तो एक रोबोट है, पर वो 0 घंटे में एक हेलीकॉप्टर बन जाता है। ऐसे हवाओं में घूमना महसूस करके देखो, एकदम अद्भुत, एकदम विशाल। और शक्ति का कवच एक तेज कार में विकसित हो जाता है जो उस पर काफी जचता है। गुरु की ताकत और गीता एक लड़ाकू जहाज बन जाएगी। उसे ये पसंद आएगा। जब वो उसे चलाएगी तो उसकी गति उसे अच्छी लगेगी। और अस्त्रों के बारे में कहूँ तो वो एक ट्रांसपोर्ट का जहाज है। एक शब्द में बताऊँ तो दृढ़, ऐसी बंदूकें, ये ऐसी बंदूकें है जो उन्हें शक्ति प्रदान करेगी। ये कुछ ऐसे कवच है जो कहीं पर भी आसानी से बदल जाते हैं। तो अंजलि, तुम्हें इस मेरे आविष्कार के बारे में क्या कहना है? तुम कुछ कहना चाहोगी अंजलि? शक्ति और फुर्ती दो शब्द कह सकते हैं। अब मुझे सताना बंद करो अंजलि। हाँ ठीक है ठीक है, चलो अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। उन्हें जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। यूटिनली, मुझे एक बड़ा कंप्यूटर मिला है, आप देख लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रस्तोगी? क्या इसके बारे में शाकाल जानता है? मैं आपके पास पहले आया हूँ सर। गार्ड्स को बुलाकर यहाँ लाओ और इस प्रयोगशाला को सील कर दो। जी सर। फिर मिलकर
अच्छा लगा शिफा। मैं तो तुम्हारी कहानी जानने के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे बस भी करो ये नाटक। मैंने तो सुना है कि तुम एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो। बिना माता पिता के तुम्हें कैसा लगता होगा ना? बहुत अकेला महसूस करते हो। तो क्या हुआ, कम से कम मैं तुम्हारी तरह चोरी तोरी करता दूसरे ग्रह में जाके, समझी? दूसरे ग्रह में जाके, अच्छा मजाक था। पृथ्वी हमारा ग्रह है बच्चू। ऐसा नहीं है, क्या तुम्हारी कभी थी नहीं? सुनी सुनाई बातें मत करो। एक मौत का सौदागर होने के नाते तुम्हारी कोई अपनी राय नहीं है क्या? या फिर सिर्फ हुक्म लेने की आदत पड़ गई है तुम्हें? सिर्फ चमचा बनकर रह गए हो तुम? हाँ तुम्हें पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, समझ गई? बड़ी हंसी आ रही है। क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? क्या ये सच में तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? तुम्हारे साथी, तुम्हारा ये संगठन और तुम्हारे पृथ्वीवासी? हाँ हाँ, ये सब मेरे खास है और इन सब की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और तुम्हारी पिटाई करने का मजा ही कुछ और है। बंद करो अपना ये मुंह। तुम्हारी बकबक सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा ये खेल अभी खत्म करती हूँ। बर्फीले तीर के लिए तैयार हो जाओ। अब जिंदा नहीं बचेगा। काम पर हमारी नजर है, हमें तुरंत तुम्हारी छानबीन करनी पड़ेगी। कृपया अभी ये जगह खाली कीजिए। हमें ये पक्का करना है कि वो फाइलें महफूज हैं। तुम क्या कह रहे हो, मुझे डराना चाहते हो? डॉक्टर रस्तोगी, अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर रस्तोगी, कृपया हमें सहयोग दीजिए और यहाँ के किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। नहीं, ये मेरी प्रयोगशाला है, मेरी सारी जायदाद यही है, यहाँ से चले जाओ। बड़े ढीठ हो, अभी भी सांस ले रहे हो? मैंने तो सुना था तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता, हमेशा सटीक होता है। जरा ये देखो कितना खूबसूरत हथियार है। बहुत ही खूबसूरत मौत दूंगी मैं तुम्हें। जानते हो, अगर हम यहाँ ना मिलते तो शायद हम बहुत करीबी दोस्त हो सकते थे तूफान। इसका मतलब क्या है? अंजलि भी ये गैर कानूनी हथियारों की इजाजत देने के लिए जिम्मेदार है।
नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। मैं कबूल करता हूँ, ये मेरा अकेले का फैसला था। उसे अकेला छोड़ दो प्लीज। डॉक्टर रस्तोगी, मुझे गिरफ्तार करो। डॉक्टर रस्तोगी, तुम्हारे गैर कानूनी काम पर हमारी नजर है, हमें तुरंत तुम्हारी छानबीन करनी पड़ेगी। कृपया अभी ये जगह खाली कीजिए, हमें ये पक्का करना है कि वो फाइलें महफूज हैं। तुम क्या कह रहे हो, मुझे डराना चाहते हो? डॉक्टर रस्तोगी, अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर रस्तोगी, कृपया हमें सहयोग दीजिए और यहाँ के किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए।
मुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है। ज्यादा जलो मत, अब मेरा कमाल देखो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। चलो यहाँ से चलते हैं, जाकर तूफान से मिलते हैं। अगर पांचों हथियार एक साथ जुड़ गए तो ही हम इन्हें हरा सकते हैं। मुझे पता है क्या करना है। गीता हमला करो। चला दिया, जल्दी। तुम्हारे मशीनी पांडव के विकास कार्ड देने आई हूँ। बाकी सब कहा है? एलियंस पीछे पड़े थे तो अलग हो गए क्या? विकास की प्रक्रिया अभी शुरू करते हैं, फिर हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। रास्ता दिखाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। खत्म हो गया अब। नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखते हैं कौन आकर तुम्हें बचाता है। शुक्र है कि हम सही समय पर आ गए। ये देखो, हाय कुंग फू पांडव, तैयार हो जाओ। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की जाए। बदलाव जारी।